बॉलीवुड के किंग खान यानी कि शाहरुख खान आज सफलता के उस मुकाम पर है जिसकी कई लोग केवल कल्पना कर सकते हैं। किंग खान को आखिर कैसे इतनी सफलता मिली, इतनी कामयाबी मिली? उनकी मेहनत के साथ साथ कहीं ना कहीं उनकी कुंडली में कुछ ऐसे योग भी ज़रूर बनते हैं जिसकी वजह से उन्हें अपने जीवन में इतनी ज़्यादा कामयाबी मिली है। आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में एक नज़र डालेंगे उनकी कुंडली के ऊपर। आपको बता दें कि शाहरुख खान का जन्म 2 नवंबर 1965 को हुआ था। जन्म समय 2:30 सुबह के, जन्म स्थान दिल्ली के। अगर इनकी लग्न कुंडली के अनुसार इनकी कुंडली देखी जाए तो इनकी राशि बनती है मकर। यहाँ पर हम आपको ये बता दें कि इनकी कुंडली का ये विश्लेषण चंद्र कुंडली के अनुसार किया जा रहा है। अब आपको बता दें कि बॉलीवुड के बादशाह माने जाने वाले शाहरुख खान के कुंडली में तीसरे स्थान पर सूर्य है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि उनकी कुंडली पर लग्न का स्वामी सूर्य तीसरे स्थान में आकर बैठा है, जिस वजह से उनको अपने सहयोगियों के साथ थोड़ी परेशानी होती है। तीसरे भाव का स्वामी शुक्र है। शुक्र और सूर्य आपस में शत्रुता रखते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इसका ज़्यादा कुछ विपरीत असर नहीं पड़ेगा। उनकी कुंडली में राज नीच भंग योग जो बन रहा है, ये योग उन व्यक्तियों के लिए विशेष फलदायक होता है जो कि गैर फिल्मी बैकग्राउंड से आए हैं। वो अपनी मेहनत के दम पर यहाँ विशेष मुकाम हासिल करते हैं। यानी कि कुल मिलाकर जिनका जन्म राजकुल में नहीं होता वो आगे जाकर राजसी सुख भोगता है, और ऐसा ही योग शाहरुख की कुंडली में देखने को मिलता है। आपको बता दें कि उनकी कुंडली में छठवें भाग में चंद्रमा है। 12 घर का स्वामी चंद्रमा छठे घर में बैठा हुआ है, जिसका राशि स्वामी शनि है। कुल मिलाकर शाहरुख अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से जी सकेंगे, लेकिन चंद्रमा की ये स्थिति उनकी माता की खराब सेहत की ओर भी इशारा करती है। आपको यहाँ पर बता दें कि केतु के चौथे स्थान में होना उनकी माँ के गंभीर स्वास्थ्य समस्या से जूझने का इशारा करता है। चौथे भाग का स्वामी मंगल अपने ही घर में बैठा हुआ है, जो कि एक पॉजिटिव स्थिति में है। बुध भी चौथे घर में है, जो कि काफ़ी स्ट्रगल के बाद एक आलिशान घर और सुख सुविधाएं मिलने की ओर इशारा करता है। शाहरुख खान का घर मन्नत इस बात का जीता जागता उदाहरण भी है। साथ ही में काफ़ी सारी संपत्ति के योग भी हैं, लेकिन शनि की दृष्टि मंगल पर पड़ रही है और मंगल की दृष्टि शनि पर पड़ रही है, जिसके कुछ नेगेटिव रिजल्ट भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि शाहरुख की चोटें, शाहरुख की सर्जरी। शाहरुख को अपने करियर के दौरान चोट का सामना करना पड़ा था, साथ ही गर्दन और पीठ के दर्द से भी वो लंबे समय तक पीड़ित रहे थे। उन्हें दर्द से निजात पाने के लिए सर्जरी का भी सहारा लेना पड़ा था। आपको बता दें कि मंगल और बुध चौथे घर में साथ बैठे हुए हैं, और इनका साथ बैठना पॉजिटिव यानी कि अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन बेहद हानिकारक भी नहीं है। बुध की ये स्थिति उनके रिश्तेदारों के लिए काफ़ी लाभदायक होगी। कुल मिलाकर वो अपने रिलेटिव्स की मदद करने के लिए हमेशा आगे रहते हैं, कभी पीछे नहीं हटते। शुक्र का पांचवें घर में होना ये दर्शाता है कि इस सिनेमा में काम करने वालों के लिए एक बेहद अच्छी स्थिति मानी जाती है। पांचवें घर का शुक्र साहित्य, कविता, संगीत और एक्टिंग की फील्ड में सफलता दिलाने का काम करता है। साथ ही इस बात का भी प्रतीक माना जाता है कि इनके पास एक शार्प माइंड है। 11वें भाव में गुरु का होना, 8वें घर का स्वामी गुरु अगर 11वें भाव में बैठा है, जो कि बुध का घर है, हालांकि बुध और गुरु शत्रु हैं, जो कि ज्योतिष के हिसाब से बहुत अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती,
लेकिन गुरु इस घर में स्थिति उनके बच्चों के लिए बेहद फायदेमंद है। बच्चों को अपने पिता के द्वारा सभी सुख सुविधाएं मिलने का संकेत है ये। साथ ही इस घर में गुरु का होना उन्हें एक बेहतरीन होस्ट की खूबियां दे रहे हैं, जो कि आप देखते ही हैं कि वो कई रियलिटी शोज कितने अच्छे से होस्ट करते हैं। शनि सातवें घर में बैठा है, जिसकी राशि शनि ही है, जो कि अच्छी स्थिति है। इस वजह से उनका वैवाहिक जीवन काफी अच्छे से चल रहा है। अब आपको इसके अलावा यहाँ पर ये बताएंगे कि दसवें घर में बैठा हुआ राहु राजनीति में जाने के लिए अच्छी स्थिति माना गया है। शाहरुख अपना हाथ राजनीति में भी अपना सकते हैं। संगीत साहित्य और कविता की तरफ खास रुझान की तरफ ये संकेत करता है। तो ये था शाहरुख की चंद्र कुंडली का विश्लेषण, जिसके आधार पर उनकी प्रोफेशनल और पर्सनल और हेल्थ लाइफ का एनालाइज किया गया। इसी तरह अन्य सेलिब्रिटीज की कुंडली का विश्लेषण जानने के लिए देखते रहें हमारा चैनल, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से आरती की रिपोर्ट।